नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बीटीएससी विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही साथ आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर के न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं। और देख लीजिए, रोस्टर क्लियरेंस हो चुकी है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो कितने पदों पर फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम की वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी कब आ रही है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और नोटिस डाउनलोड करके बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह नोटिस आई है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना प्रेषक डॉक्टर निहारिका शरण, निर्देशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना। सेवाएं में देखिए किसको किसको लिखा गया है, तो सेवा में सभी प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय बिहार, सभी अध्यक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार, सभी प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल पटना, प्राचार्य राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल पटना, सभी सिविल सर्जन बिहार, निर्देशक अति विशिष्ट अस्पताल बिहार। इस सभी को लिखा गया है लेटर, जो आपके पास जो भी है फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, एजीसी एक्सरे टेक्नीशियन जो भी है, सभी को रोस्टर क्लियरेंस करके और स्वास्थ्य विभाग का भेजिए। जो भी रिक्ति है, रिक्ति की ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को भेजना है। चलिए विषय देख लीजिए, विषय आपके सामने हमें बता रहे हैं राज्याधीन सेवाओं की पदोन्नति के पद सोपान में तत्त्व एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद पर प्रभार देने हेतु राजकीय स्तरीय संवर्ग का सिविल लिस्ट तैयार करने तथा नए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 बिहार अधिनियम 19/2023 के तहत संवर्गों का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13/10/2023 तथा अधिसूचना संख्या 636 दिनांक 9/1/2024 माह से उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की पदोन्नति के पद सोपान में तत्त्व एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु राजकीय स्तर संवर्ग का सिविल लिस्ट तैयार किया जाना है। साथ ही नए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 बिहार अधिनियम 19/2023 के तहत राज्यस्तरीय संवर्गों का रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके निमित्त दिनांक 1/1/2024 को कार्यरत होने के आधार पर निम्नांकित राज्यस्तरीय संवर्ग के नियमित कर्मियों की कोटिवार सूचना तथा संलग्न विविध प्रपत्र में वांछित सूचना आवश्यक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर फार्मासी संवर्ग, प्रयोगशाला प्रवैधिकी संवर्ग, एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग, ईजीसी टेक्नीशियन संवर्ग और शल्य कक्ष सहायक संवर्ग। हम पहली बताएं जो रोस्टर क्लियरेंस करके ठीक है स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा, स्वास्थ्य विभाग जो है बीटीएससी विभाग को भेजेगा और फरवरी में बीटीएससी विभाग आपको वैकेंसी लेके आ रही है। स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, एजीसी एक्सरे टेक्नीशियन पहले हम आपको बता दिए हैं, जो कि आपके सामने में लिखा हुआ है। और यह कब तक क्लियर करना था, 18/1/2024 तक ही क्लियर करना था। इसलिए हम आपको बना रहे हैं वीडियो, बना रहे हैं कि सभी स्टूडेंट परेशान है, सर है क्या अभी तक हम समझ नहीं पाए, तो इसलिए हम वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। जो देख लीजिए आपके सामने फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन का जो है रोस्टर क्लियरेंस करके स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पताल भेजेगा, सभी जो है महाविद्यालय विश्वविद्यालय भेजेगा और वह स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी विभाग को भेजेगा। बीटीएससी विभाग आपको वैकेंसी जारी करेगी फरवरी में। पहली बता दिए, फरवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन का। आपके सामने हम सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा जो यह किसके है लिए हम बात कर रहे हैं। फरवरी महाराल में आपको फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। इसलिए आपको हैरान और परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिसको जिसको पदोन्नति दिया गया है तो वह तो पद खाली हो गया है।
तो सभी अस्पताल को ऊपर लिखा गया है, देख लीजिए सभी अस्पतालों को लिखा गया है, हर चीज जो आपके पास जितना भी पद रिक्त है सभी आप स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाएं 18/1/2024 तक। तो आज तो 23 हो गया है, तो उपलब्ध हो गया है सभी रोस्टर क्रिया स्वास्थ्य विभाग करके बीटीसी विभाग को भेज देगा, बीटीसी विभाग आपको वैकेंसी जारी कर देगी। साथ ही साथ देख लीजिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, खुलेंगे 67 नए हेल्थ सब सेंटर। अब देखिए एक जिला समस्तीपुर के बारे में भी बता रहे हैं, सभी जिला में इतना जो है नए हेल्थ सब सेंटर खुलेगा तो उसमें भी पदों को सर्जित किया जाएगा, अर्जित किया जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में जो है तेजस्वी यादव बोले हैं जो 1.5 लाख पदों पर हम बहाली दे रहे हैं, तो देख लीजिए उसके लिए जो है रोस्टर क्रिया सर्ची शुरू हो चुकी है। और चलिए आगे बताते हैं, सभी जिला में 67 नए हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। और दोस्तों एनएम की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल के आ रही है, इसलिए 12 बजे हम आपको एनएम का क्लास लेके आ रहे हैं, नाइट में 10 PM में हम आपको पढ़ाते हैं, तो तीसरा क्लास हो चुकी है और आज से 12 बजे भी हम आपको एनएम के न्यू क्लास लेके आ रहे हैं। तो जिसको भी पेड कोर्स चाहिए तो हम आपको यहाँ पे नंबर दे देते हैं 8051305735, यही मेरा फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है, इसी पे आपको 149 रुपया ट्रांसफ़र करना है और आपको मिल जाएगा। देख लीजिए 8051305735, यही मेरा फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर है, इस पर 149 रुपया ट्रांसफ़र कीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी नए सिरे से, क्योंकि एनएम की बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट ओटी स्टैंड ईजी सी एक्स्ट्रा टेक्नीशियन के फरवरी में और एनएम के मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको फिर से समय नहीं दिया जाएगा, वैकेंसी जारी होने के 1 से 1.5 महीना बाद ही एग्जाम ले लिया जाएगा, इसलिए अभी समय है तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो और 12 बजे लाइव आ रहे हैं एनएम का न्यू क्लास को लेके और न्यू वैकेंसी को लेके, इसलिए सभी स्टूडेंट लाइव आना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही लाइव आएंगे और जो भी वीडियो लेके आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जितना हो सके सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और कल हम आपको बता दिए थे जो पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी उसका अपडेट निकल के आ रही है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग 12 बजे लाइव आते हैं, उसमें बात करने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं बोलेंगे। थैंक यू।